जो कोई बंदा हाथ चक लवे ना पंजाब दे विच काले कानून लागू करे लोगों नूं तंग परेशान करे लोगों के हक खोए उन्होंने दर्जा रावण दा ही मिलना चाहिए क्योंकि हरेक साल आप रावण का पुतला फूकते हैं पर रावण नालों वध माड़ा बंदा नरेंद्र मोदी आ जिन्हें काले कानून लोगों के उत्ते लागू किए ने लोगों के हक खोए ने इस करके असी रावण नालों ज़्यादा माड़ा बंदा मानते हुए अज नरेंद्र मोदी का पुतला जिहड़ा नाभे दे विच फूक रहे हैं अज नाभे दे किसी भी कोने दे विच रावण का पुतला नहीं फूकया जा रहा भारतीय किसान यूनियन एकता गुराहां वालों पूरे पंजाब दे विच ते नाभे शहर दे विच असी नरेंद्र मोदी का पुतला आ कुछ मिनटां दे विच फूकन लगे हैं जिन्ना चिर कानून रद्द नहीं होंदे लोगों के हक की गल नहीं कर दिया सरकार एक धरना कोई नहीं उठूगा इवें जिवें टूल प्लाजे बंद रखा इन्हों रिलायंस वाले पंप तो इस वाले पंप बंद रखा तो आने वाले समय के रेलों दोबारा भी रोका आ बीजेपी के मंत्रियों के कोठियों के घराए हुए हैं पूरे पंजाब फिलहाल पक्के मोर्चे चल रहे हैं जिन्ना चिर सरकार मुड़ती नहीं पसा इन्हों आर्डीनेंस रद्द नहीं करती कोई भी मोर्चा नहीं पंजाब चक्का असी दिन रात मोर्चा के इस तरह घोल लड़ते रहेंगे जिस तरह किसान एकता गुराहां वालों जिहड़ा ये पहलकदमी की गई है करने रावण दी हक बनता लोगों का यह जिहड़ा बंदा इस देश द्रोही होवे इस देश नूं माड़ा कहे तो माड़े कानून लागू करे उन्हें रावण का दर्जा दे के पुतले फूकना हक बनता क्योंकि किसी समय बादल ने भी पुतले फूके ने पर आ काम नहीं होया जिहड़ा रावण का पुतला जी नरेंद्र मोदी का दशहरा दिन फूकया गया आने वाले समय के सरकार गौर कर लेना चाहे कांग्रेस सरकार हो चाहे अकालिया की सरकार हो चाहे झाड़ू वाले की हो जिहड़ा भी बंदा देश के दे हक खोऊगा लोग विरोधी फैसले लूगा वह रावण के थावे उस सरकार का पुतला फूकया करा पंजाब कोने कोने के नरेंद्र मोदी के पुतलिया फूके जा रहे हैं दशहरे वाले दिन
क्योंकि रावण का पुतला कदे भी नहीं फूका जाना, नरेंद्र मोदी भी फूके जाएंगे। पुतला जी जेडे ते कानून लागू करे ने ये बिल्कुल गलत ने। असी नहीं किसान इस गल ते आ सकते कि किसानां ने जथेबंदियां ने यह काम किया कि जेड़ा रावण का पुतला फूक दे ते यह तो पहला इतिहास सी कि बच्चों नूं भी चली जांदा सी भी रावण का पुतला फूकया जांदा, पता किसी नूं नहीं लगता भी क्यों फूकया जांदा, क्यों बच्चों नूं तां हुण पता लगेगा कि जेड़ा यह मोदी का पुतला फूकदिआं वीरो इन्हां ने साडे स्कूल बच्चों के बंद करते, पढ़ाइयां बच्चों दीआं रह गईआं, गुरद्वारिआं नूं साडे इन्हां ने जिंदे लवाते, देगां करनीआं इन्हां ने बंद करतीआं, कि पंजाबीआं नाल इन्हां ने पंगा लै लिआ, हुण तां इहदा मोदी दी पुतला फूकया जाया करूगा। अज्ज वी नाभे दे विच मोदी दी पुतला फूक रिहा, असानू पता लग चुका मोदी का पुतला क्यों फूकया वीरो, रोस इन्ना हो गया, असी उन्ना चिर नहीं आपदे धरने तो उठ सकते जिन्ना चिर साडीआं मंगां नहीं मन्नीआं जांदीआं। बंदे दे पुतले इस लई साड़े जा रहे ने क्योंकि लोकतंत्र दा घाण हो रहा है, लोकतंत्र दे विच लोकां दी रह लई जांदी है। जदों इह बिल पास कीते गए सी साढ़े 31 साडियां किसान जथेबंदियां ने, चलो 31 ने जां 30 ने, उन्हां दे किसे भी एक नुमाइंदे दी रह नहीं लई गई इस बिल दे विच। इस लई इस नूं असीं अज दा रावण कह रहे हां ते रावण कह के इहनूं अग लगा रहे हां क्योंकि इहने उह कानून धक्के ना साढ़े ते लागू कीते ने जो सानूं बिल्कुल मंजूर नहीं है। ठीक है जी, ते जिहड़े धरने ने लंबा संघर्ष जा सकदा इसे तरीके नाल जारी रहण क्योंकि अज दी पीढ़ी नूं सब कुछ सामने दिख रहेगी मोदी की कर रहे हैं, इस तों ਉਹ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਉਹ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਵਣ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਵਣ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਸਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਗਲਤ ਸੀ, ਅਸਲੀ ਰਾਵਣ ਆ ਦਿਖ ਰਹੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਨੇਕੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਰਾਵਣ ਦਾ ਫੂਕਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਇਹ ਰਾਵਣ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਕੁਰਸੀ ਆ ਗਈ ਇਹਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਆ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਫੁੱਟਣ ਲਈ ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਇਹ ਜਿਉਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ।